किसी भी सेल पे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ सुजीत कुमार। अब सुजीत कुमार लिखते ही क्या हो रहा है कि ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, मतलब कि अभी दिख रहा है पूरा। जैसे बी कॉलम के अंदर अगर हम किसी तरह के वैल्यू टाइप करेंगे हमारा नाम पूरा नहीं दिखेगा। अब चाहते हैं कि मेरा नाम पूरा दिखे तो क्या करें, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो ए और बी के जो ए होते हैं कॉलम के जो पार्टीशन होते हैं उस पर कर्सर जाने पे कुछ इस तरह का बनता है, आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपका कॉलम बड़ा हो जाएगा, कॉलम बड़ा हो गया और पूरा नाम दिख जाएगा। कॉलम कितना बड़ा होगा, जितना उस टेक्स्ट को चाहिए जो टाइप आपने कर रखा है, सिर्फ एक ही नहीं पूरे कॉलम में जो भी टाइप होगा उसमें जितना चाहिए उतना बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, जितना चाहिए उतना बड़ा हो जाएगा। अब इसमें एक चीज तो हो गई, अब इसमें अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि मुझे कॉलम बड़ा नहीं करना है क्योंकि कॉलम बड़ा करने से मेरे प्रिंट पे इफेक्ट हो सकता है। तो इस केस में हम यहाँ से रैप टेक्स्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट क्लिक करते ही टूट के नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से तोड़ के नीचे करूँ। तो टाइप करते समय या कर्सर जहाँ भी पॉइंट खींचेगा वहाँ से आप ऑल्ट एंटर, जी हाँ ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो टूट के नीचे आ जाएगा, फिर टाइप कीजिए ऑल्ट प्लस एंटर, इस तरह से आ जाएगा।